खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 2 मई है और दिन है सोमवार। जैसा कि दोपहर अपडेट में आपको जानकारी दी गई थी कि सरसों का बाजार थोड़ा सा आज कमजोर है और कॉटन भी थोड़ा सा स्टेबल सा दिखाई दे रहा है। विस्तार से चर्चा शुरू करें उससे पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। कुछ सवाल भी हैं आज छोटे मोटे, उनका भी जवाब देने का प्रयास करेंगे। बात शुरू करते हैं सरसों से। सरसों का बाजार जैसा कि सुबह आपको जानकारी दी गई थी कि 50 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक बाजार कमज़ोर दिखाई दे सकता है। हालांकि जयपुर का बाजार 25 रुपये से लेकर के 50 रुपये तक तेज हुआ है। भरतपुर का बाजार 45 रुपये कमज़ोर खुला है। दिल्ली में भी थोड़ी बहुत कमज़ोरी आई है, प्लस होने की संभावना थी लेकिन थोड़ी बहुत डाउन दिखाई दे रहा है। इसी तरह से अन्य मंडियों के अंदर 50 रुपये से लेकर के 75 रुपये तक की गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि सरसों के तेल के अंदर भी थोड़ी सी भाव में गिरावट है। 1 रुपये से लेकर के 1.5 रुपये किलो तक के भाव में, थोक भाव में गिरावट देखने को मिली है। इस कारण से सरसों में थोड़ी सी गिरावट आई है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी कुछ अफवाहें, कुछ पुष्ट खबरें, कुछ अपुष्ट खबरें इस तरह से चल रही हैं जो बाजार को दबाने का प्रयास कर रही है। जैसे भारत सरकार ने एक बयान दिया है कि 21 लाख टन तेल हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, घबराने की चिंता नहीं है। वो ये जो बयान है वो इंडोनेशिया के रेफरेंस में आया है कि इंडोनेशिया से जो तेल निर्यात बाधित हो रहा है वो उसके कारण से कोई घबराहट पैदा ना हो बाजार में, किसी तरह की कोई इस तरह की कोई मैसेज ना जाए कि जी तेलों में संकट पैदा हो रहा है। लेकिन समझ में ये नहीं आता है कि ये आंकड़ा कहाँ से आया है और ये किस तरह का डाटा है। इतना माल तो जो बड़ी तेल कंपनियां हैं उनके पाइपलाइन में रह जाता है और आप इतना माल से आप कैसे पूरी प्रक्रिया को चलाएंगे। पूरा अभी बहुत लंबा सीजन पड़ा है। अगर 7 तारीख को जो इंडोनेशिया की मीटिंग है और इंडोनेशिया ने तेल, पाम तेल का जो आयात है उसको, निर्यात है उसको, अगर प्रतिबंधित दायरे से बाहर नहीं किया तो तेलों का संकट बढ़ सकता है। फिलहाल जो अब तक 30 अप्रैल तक का जो डाटा है उसमें उस तेल के आने या न आने का कोई फर्क नहीं पड़ा है। जो पहले से तेल आ रहा था, जो हमारे लिए पहले से हमारे, यानी आप ये मान के चलिए कि जो सौदे हो चुके थे, वो तेल तो हमारे पास पहुँच ही गया है या पहुँच रहा है, तो उससे अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो मई का जो एंड में डाटा आएगा उससे पता लगेगा कि कितना तेल बाधित हुआ है और कितना तेल स्टॉक में बाकी है और कैसे आगे का सीजन चलेगा। कुल मिलाकर के ये अफवाहों के बाजार से या इस तरह के सरकारी बयानों से बाजार थोड़ा दबाव में दिखाई दे रहा है, लेकिन सरसों में मंदा नहीं है, मंदा नहीं है, मंदा नहीं है। सरसों डाउन नहीं रहने वाली है। आप ये मान के चलें कि इस बार सरसों की जो बम्पर उत्पादन बताया जा रहा है उस बम्पर उत्पादन में भी मुझे शक है। तेल की खपत भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इंटरनेशनल मार्केट से जो हमें आयात मिलता है, जो 65% लगभग हम आयात करते हैं खाद्य तेलों का, उसमें भी एक बड़ी कटौती आती हुई दिखाई दे रही है। इन सब कारणों से खाद्य तेलों के अंदर इस बार कोई बड़ी गिरावट, कोई बड़ा मंदा मुझे संभव ही नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए विशेष रूप से सरसों का बाजार अब आगे आप देखने की बात है कि सरसों का बाजार किस रफ्तार से आगे बढ़ता है। मुझे लगता है कि यहीं से 1-2 दिन से ही बाजार सुधर जाएगा, संभवतः कल से भी थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिल सकता है और बाजार आगे सुधार की तरफ ही चलेगा। ये अलग बात है कि इस तरह का छोटा मोटा ब्रेक आता रहेगा क्योंकि बाजार बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं चला करता। बाजार में मामूली उतार चढ़ाव जरूरी है कारोबार और व्यापार को चलाने के लिए। सरसों के बाद बात कर लेते हैं कॉटन कॉम्प्लेक्स की। कॉटन में इंटरनेशनल मार्केट का जो वायदा है उसमें गिरावट से, हल्की सी एक गिरावट बाजार में देखने को मिल रही है, बहुत थोड़ी सी गिरावट है। जो बाजार गुजरात का बाजार 2550 रुपये 20 किलो में भाव था वो 50 रुपये टूटकर 2500 रुपये के लेवल पर आ गया है। और दूसरी मंडियों के अंदर अगर उत्तर भारत की मंडियों की बात करें तो 100 से लेकर के 300 रुपये तक बाजार डाउन दिखाई दे रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे आप ये भी नोट करें कि अब कॉटन की उपलब्धता का सवाल, बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। कॉटन की आवक खत्म हो गई है। आज भी 20,000 गांठें पूरे देश भर की मंडियों से नहीं पहुँच पाई हैं।
तो आगे ये कैसे उपलब्धता बढ़ेगी और कैसे कहाँ से माल आएगा। हालांकि थोड़ा जुलाई के अंदर थोड़ा सा माल आना शुरू हो सकता है, जो अगेती फसल है जुलाई में, क्षमा करें अगस्त के महीने में, उससे पहले तो कोई मुझे लगता नहीं है। थोड़ी बहुत तमिलनाडु की फसल अब आ रही है, उससे भी कोई बड़ा दबाव नहीं बनेगा। आयात कितना होता है ये भी एक अभी सवाल है कि कितना आयात होगा। 40 लाख गांठे चाहिए हमारे कपड़ा उद्योग को, क्या वो उतना माल मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। इन सब सवालों का कोई किसी के पास एक ठोस जवाब नहीं है, इसलिए मुझे लगता नहीं है कि कॉटन के अंदर, नरमा कपास के अंदर या रुई के अंदर या खल बिनोला के अंदर मुझे कोई मंदा दिखाई नहीं देता है। आने वाले समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आज कैथल में ऑयल मिल एसोसिएशन ने, जो ये बिनोला तेल की जो कारखाने चलाने वाले एक व्यापारियों का, कारोबारियों का एक समूह है, उसने एक बहुत बढ़िया फैसला लिया है कि उन्होंने कहा है कि जो नकली खल बनाते हैं या नकली काम करते हैं खल के बारे में, उनके खिलाफ वो एक अभियान चला रहे हैं और उसका 1 लाख रुपये तक जुर्माना उन्होंने करने का ऐलान किया है। उन्होंने एक कमेटी बनाई है, शिव नारायण जी गोयल उसके अध्यक्ष हैं, शिव नारायण जी गोयल एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं, और एक 8 मेंबरी कमेटी बनाई है जो जिसमें से 3 आदमी कभी भी किसी भी मिल में जा करके उसकी जांच कर सकते हैं, और जांच करने के बाद यदि वहां कोई नकली खल जैसा कुछ मामला ठोस रूप से पाया जाता है तो उस संचालक के खिलाफ 1 लाख रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। ये पशु चारा के रूप में प्रयोग होती है और पशुओं के ऊपर नकली खल अगर आप देते हैं तो ये एक बहुत बड़ा अत्याचार है पशु वर्ग के लिए। सवाल इस तरह के हैं, मेथी के बारे में बताइए और कुछ और दूसरी चीज़ों के बारे में बताइए। मुझे ये कहते हुए बड़ा संकोच भी होता है कि मुझे मेथी वगैरह की जानकारी बहुत कम है, नहीं रहती है आमतौर पर। हमारे पास पूरी टीम है, पूरा स्टाफ है जो दूसरी चीज़ों पर भी काम करता है, जो दूसरी जिनसे हैं उन पर भी कारोबार करता है, कारोबार नहीं करता है, उनकी उनकी समीक्षा करता है, और उन समीक्षाओं को हम अपने दैनिक बुलेटिन में, डेली बुलेटिन में प्रकाशित करते हैं। उसमें आप, उसमें जुड़ करके आप ये धनिया या कोई भी दूसरी चीज़ है, जीरा है, धनिया है, मसाला है या और कुछ भी चीज़ें हैं, आप उनके बारे में आप बड़े विस्तार से जानकारी ले सकते हैं, आप उससे जुड़ करके अपने कारोबार का फ़ायदा उठा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर रहता है हमेशा हर वीडियो के साथ, आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमारे से आकर के उसका शुल्क आदि की जानकारी ले सकते हैं कि उसका वार्षिक या अर्धवार्षिक शुल्क कितना है, उसकी विस्तार से जानकारी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। आइए बात कर लेते हैं कुछ मंडियों के भाव की। आज जयपुर का बाज़ार 7475 पर दिखाई दे रहा है, भरतपुर का बाज़ार 7012 रुपये पर दिखाई दे रहा है, कल से 45 रुपये के लगभग डाउन है। दिल्ली अभी 7250 और 7300 के बीच कारोबार दिखा रहा है, हापुड़ 7000, सलोनी ने आज 50 रुपये डाउन किया है, 7850 रुपये से लेकर के 7900 रुपये तक का भाव है। सिरसा में 7100 रुपये, गंगापुर 7025, ऐलनाबाद 7026, बीकानेर 6600 रुपये, खैरथल 7035, टोंक 7275, निवई 7300, अशोकनगर 7625, मंदसौर 6600, सुमेरपुर 7780, हिसार 6900, आदमपुर 7035, दादरी 7000, नोहर 7140, सादुलपुर 6700, रेवाड़ी बड़ी डिमांड रहती है रेवाड़ी के भाव की, रेवाड़ी का भाव है 6600 रुपये से लेकर के 6900 रुपये तक। नरमा आज सिरसा में बिका है 11700 रुपये, आदमपुर में 11900 रुपये, ऐलनाबाद में 11635 रुपये और बरवाला में 11201 रुपये। आज के बुलेटिन में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।